जीरो डिग्री, कॉस इनवर्स जीरो हमारा पाई बाय टू हो गया, ये हो गया टू थीटा, ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स वन, तो ये हो गया पाई ग्रेटर देन टू थीटा ग्रेटर देन पाई बाय टू, तो टू थीटा पाई से पाई बाय टू के बीच में आ रहा है, तो थीटा आपका पाई बाय टू से पाई बाय फोर के बीच में आएगा। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा का ग्राफ बनाया ये मैंने और ये साइन थीटा का, तो इसमें हम देख सकते हैं कि पाई बाय फोर से पाई बाय टू तक दोनों की दोनों पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो ये मॉड को लेगा आपका वन के मल्टीप्लाई के साथ, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको मेक वन करना होता है, तो आप कॉस थीटा से डिवाइड लगाएंगे, तो हो गया वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय फोर प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा, तो हो गया टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा, आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो पाई बाय फोर प्लस थीटा हो गया। अब जो आपने थीटा माना था एक्स को, आपने कॉस टू थीटा माना था, तो आपका टू थीटा हो गया कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा आपका हो गया हाफ कॉस इनवर्स एक्स, तो आप यहाँ पे थीटा की जगह रखेंगे हाफ कॉस इनवर्स एक्स, तो आपका फाइनल आंसर हो गया पाई बाय फोर प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 17 के और पार्ट की, जिसमें आपको दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल टू अल्फा। आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमको जो गिवन था हमने सबसे पहले उसको उठा लिया, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल टू अल्फा। अब आपको जैसे क्लास में पढ़ाया जा चुका है कि कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी की आइडेंटिटी होती है, तो वो क्या होती है कॉस इनवर्स ए इंटू बी, तो ये हो गया एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट के अंदर वन माइनस ए स्क्वायर, तो ए क्या था हमारा एक्स अपॉन ए, तो उसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू अल्फा। अब हमने क्या किया, अब हम कॉस इनवर्स को हम उस तरफ ले गए, तो ये हो गया कॉस अल्फा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू कॉस अल्फा। ये हमारे एक्स वाई अपॉन ए बी हमने एज इट इज रहने दिया, कॉस अल्फा को हम इधर ले आए और रूट वाले पार्ट को हम उधर लेगा, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग करके रूट हटाना है दोनों तरफ से, तो हमने क्या किया स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो हो गया एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हमने इसको इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया पूरा और इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू कॉस अल्फा इंटू एक्स वाई अपॉन ए बी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गए, इस वाले पूरे पार्ट को हम इधर ले आए और ये कॉस स्क्वायर अल्फा को हम उधर ले गए, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा, और जब इसको इधर ले आए हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी इंटू कॉस अल्फा, और ये हमारा पूरा प्रूव्ड हो गया। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसमें आपको दे रखा है y इजिकल टू कॉट इनवर्स रूट के अंदर कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट के अंदर कॉस एक्स, और आपको